Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine at your home. Today we are going to start our lecture number 14. Students, जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 2.3 तक फिनिश किया है. आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.4. आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है. लेट्स रीड इट. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग होल नंबर. हमने जितने भी नंबर्स गिवन है, टू नंबर्स गिवन है, हमने इन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है. जी, तो बताएं प्रोडक्ट से क्या मुराद है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. क्या है मतलब प्रोडक्ट का? यस, मल्टीप्लाई. ठीक है, आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. ये आप छोटी क्लासेस में भी करते हैं, बहुत ईजी है. इसको मेरे साथ सॉल्व करें. जी तो स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ, आपने उससे इसकी हेल्प से बाकी ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. जैसे कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है 87.62. ठीक है जी, तो आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है. सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है. इट मीन्स 87 कोमा की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. ठीक है, 87 मल्टीप्लाई बाय 62. अब आपने इसको वर्टिकली लिखना है. वर्टिकली कैसे लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 87 एंड नीचे आ जाएगा 62. याद रखना है वंस के नीचे वंस ही आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस ही आना चाहिए. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई. हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं पहले तमाम वैल्यूज को फर्स्ट डिजिट वंस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको सेकेंड डिजिट इट मीन्स टेंस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर इससे आगे भी होगा तो एज इट इज इसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है. सबसे पहले देखें 87 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 7 टाइम्स 2 इज 14, 1 कैरी चला गया, 4 एज इट इज. नाउ 8 टाइम्स 2 इज 16, 16 प्लस 1 इज 17. आपको पता है कि जब हम नेक्स्ट लाइन आते हैं इससे पहले आप या 0 डाल देते हैं या फिर क्रॉस. ठीक है, अब देखें 7 टाइम, अब आपने दोनों डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से. तो करें 7 टाइम्स 6 इज यस 42, 2 नीचे आ जाएगा और 4 आपका कैरी चला जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 8 टाइम्स 6 इज 48, 48 प्लस 4 इज 49, 50, 51, 52. यस, आप इधर क्या लिख देंगे, 52. ठीक है, नाउ आपको बताना चाहिए जब सारा सॉल्व हो जाए आपने इनको क्या कर देना है, ऐड. अब आप इसको ऐड करें, 4 प्लस 0 इज 4, 7 प्लस 2 इज 9, 1 प्लस 2 इज 3 एंड 5 ऊपर कुछ इट मीन 0 है एंड 5 प्लस 0 इज 5. ठीक है, इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन लिया, इसको सॉल्व करते हैं. इसमें भी सबसे पहले आपने इसको एज अ प्रोडक्ट लिखना है. ठीक है, इसके बाद एक चीज और, आप जब आपने इसका आंसर निकाल लिया तो आपने इसके नीचे लिखना है थर्स. यह हर क्वेश्चन के नीचे आपने लिखना है थर्स. आपने किसको क्वेश्चन लिखे, 87 मल्टीप्लाई 62 इज इक्वल, क्या आंसर आया, 5394. ठीक है, आपने इसको ऐसे जरूर लिखना है. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में भी सबसे पहले आपने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. कोमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2468 मल्टीप्लाई 111. ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 24. पहले आपने इसको वर्टिकली फॉर्म में लिखा, साफ सुथरी राइटिंग में बच्चों आपने काम करना है. नेक्स्ट 111, अब आपने 111 लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है 111. ठीक है, फिर बता रही हूँ वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड और थाउजेंड के नीचे कुछ नहीं है, आपने एज इट इज छोड़ देना है. अब मल्टीप्लाई इट, पहले इन तमाम वैल्यूज से किसे मल्टीप्लाई करेंगे, वंस वाले डिजिट से विच इज वन. मल्टीप्लाई करें, 8 टाइम 1 इज 8, 6 टाइम 1 इज 6, 4 टाइम 1 इज 4, 2 टाइम 1 इज 2. मल्टीप्लाई, अब फिर इस सारे डिजिट को किसे मल्टीप्लाई करना है, 1 से. 8 टाइम 1 इज 8, 6 टाइम 1 इज 6, 4 टाइम 1 इज 4, 2 टाइम 1 इज 2. अगेन मल्टीप्लाई. अब आपको पता है फर्स्ट पे तो हमने मल्टीप्लाई 1 डाला था, अब अगर इसकी सेकेंड लाइन आ जाएगी तो आपने 2 मल्टीप्लाई डालने हैं. ठीक है, अगर इसे आगे होता तो 3 डालते. मल्टीप्लाई करें फिर से, 8 टाइम 1 इज 8, 6 टाइम 1 इज 6, 4 टाइम 1 इज 4 एंड 2 टाइम 1 इज 2. अब आपने देखा यहाँ आपके डिजिट्स कंप्लीट हो गए, आपने इन्हें ऐड कर देना है. नाउ ऐड इट, 8 इसका मतलब होता है 0, 8 प्लस 0 प्लस 0 इज 8, 6 प्लस 8 इज 14,
फोर नीचे आ जाएगा, वन कैरी चला जाएगा. फोर प्लस वन इज फाइव, फाइव प्लस सिक्स इज इलेवन, एंड इलेवन प्लस एट इज नाइनटीन. ठीक है, नेक्स्ट देखें, फोर प्लस टू इज सिक्स, सिक्स प्लस वन इज सेवन, एंड सेवन प्लस सिक्स इज थर्टीन. थ्री नीचे आ जाएगा और वन आपका कैरी चला जाएगा. नाउ एड इट, फोर प्लस टू इज सिक्स एंड सिक्स प्लस वन इज सेवन. ठीक है, नेक्स्ट इज टू. ठीक है, मैंने आपको बताया था जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है, आपने इसके नीचे लिखना है. थर्स टू फोर, आपने इसका प्रोडक्ट जब निकाला है, मल्टीप्लाई ट्रिपल वन इज इक्वल क्या आ रहा है, यस टू सेवन थ्री नाइन फोर एट. ठीक है, नाउ कम टू आर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में भी सबसे पहले आपने इसको, ये मैंने बीच में से कुछ क्वेश्चन दिए, आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं. ओके, एक पार्ट मैंने लिया, इसमें क्या है, वन फाइव सेवन टू को आपने मल्टीप्लाई करना है टू फोर वन से. ठीक है, करें मल्टीप्लाई. पहले इसको वर्टिकली फॉर्म में लिखें, वन फाइव सेवन टू टू फोर वन. नाउ मल्टीप्लाई, टू टाइम्स वन इज टू, सेवन टाइम वन इज सेवन, फाइव टाइम वन इज फाइव, वन टाइम वन इज वन. नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने से पहले मल्टीप्लाई, टू टाइम फोर इज एट. अब सबको हमने फोर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सेवन टाइम फोर इज ट्वेंटी एट, टू कैरी चला गया. फाइव टाइम फोर इज ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू. नाउ वन टाइम फोर इज फोर प्लस टू इज सिक्स. नेक्स्ट पे क्या आएगा, दो मल्टीप्लाई आ गए. नाउ टू टाइम्स, सबको टू से मल्टीप्लाई करें, टू टाइम टू इज फोर, सेवन टाइम्स टू इज फोर्टीन, वन कैरी चला जाएगा. फाइव टाइम टू इज टेन प्लस वन इलेवन, फाइव टाइम टू इज टेन प्लस वन इलेवन. नाउ वन टाइम टू इज टू प्लस वन इज थ्री, एड इट. टू प्लस जीरो प्लस जीरो इज टू, सेवन प्लस एट इज फिफ्टीन, वन कैरी. फाइव प्लस वन इज सिक्स, एंड सिक्स प्लस एट इज फोर्टीन, एंड फोर्टीन प्लस फोर इज एटी. एट इधर आ जाएगा और वन कैरी चला जाएगा. नाउ टू प्लस वन इज थ्री, थ्री प्लस वन इज फोर, एंड फोर प्लस फोर इज एट, इधर एट आ जाएगा. नाउ सिक्स प्लस वन इज सेवन, एंड थ्री एज इट इज. ठीक है, इसके बाद आपको क्या कहा है, नीचे क्या लिख देना है, थर्स वन फाइव सेवन टू को मल्टीप्लाई किया टू फोर वन से, तो क्या आ गया, थ्री सेवन डबल एट फाइव टू. ठीक है स्टूडेंट जी, तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर वन के कुछ पार्ट्स आपको सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी के सारे पार्ट्स आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन आपकी होनी चाहिए. ठीक है, आपने साफ सुथरा इसको काम अपनी नीट कॉपीज पे करना है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.